हेलो माय डियर चैम्स, तो कैसे हैं आप? आई होप यार ठीक ठाक होगे। तो यार गाइस, यही चेहरा इस आवाज़ के पीछे, आज आप लोग सब लोगों ने देख लिया है कि इस आवाज़ के पीछे क्या चेहरा था। और आज यार हम हमारा फर्स्ट व्लॉग शूट करने वाले हैं। और ये व्लॉग बच्चों में आप लोगों को मेरे गाँव का नज़ारा दिखाऊंगा। और आज मैं मेरे गाँव की छोटी से पुलिया पर यहाँ पर खड़ा हूँ, और इस पुलिया पर एक छोटा सा खूबसूरत सा झरना भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मंदिर भी है बच्चों, गाँव के अलग अलग इलाके में, मतलब जगह जगह पर छोटे छोटे मंदिर भी है। लेकिन आज मैं आप लोगों को मेरे खेत का नज़ारा दिखाऊंगा। मेरे खेत में क्या है बच्चों, खेली लगी हुई है और वहाँ पर एक कुआ भी है जो कि एकदम फुल भरा हुआ है। तो चलिए यार खेत की ओर चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे खेत का नज़ारा। और ये है मेरी बाइक, फटाफट से बाइक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। एक सेकेंड, अभी मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है एक हाथ से, तो क्लच कौन दबाएगा? मोबाइल ये वाले हाथ में लेता हूँ एंड देन मैं क्लच दबाता हूँ और गियर डाल दिया मैंने और थोड़ा सा गाड़ी को आगे धक्का देता हूँ, गाड़ी चल पड़ती है। अब मोबाइल मुझे कुछ थोड़ा टाइम के लिए यहाँ नीचे रखना पड़ेगा और हम यहाँ पे चल दिए। तो चलिए यार गाड़ी को फटाफट से यू टर्न ले लेता हूँ और हम चलते हैं हमारी खेत की ओर। यार थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड हो जाता है ये क्लच छोड़ कर गाड़ी चलाना, लेकिन जो आदमी थोड़ा ट्रेन है वो चला लेता है। तो यार हम यहाँ पर चल दिए हमारी खेत की ओर। Just what you do to me, play my emotions like a pair of puppets. आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही होगी क्योंकि यार यहाँ हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। यार बच्चों खेत का नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पर तेज़ हवा चलती है, मौसम अच्छा रहता है, कभी कभी धूप भी रहती है, लेकिन यार हमारे गांव के किसान लोग धूप में भी काम कर देते हैं। कड़ी धूप भी अगर तप रही हो तो किसान लोग आप लोगों को खेत में दिखेंगे। आप देख सकते हो हर एक खेत में एक आदमी ज़रूर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ढोर बैल सारे खेत में आप लोगों को दिखेंगे। यार गांव का नज़ारा एकदम अलग होता है बच्चों, और मैं जो हूँ एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और यार बड़े सपने लेकर चल रहा हूँ। तो देखते हैं मेरे सपने सच होते हैं या फिर नहीं होते। एक छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बहुत बड़ा सपना यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन यार देखते हैं, वो सब किस्मत के हाथ में और मेहनत के हाथ में है। मैं मेहनत करना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ देना चाहिए। तो यार आप यहाँ पर देखिए हमारे गांव के जो किसान होते हैं वो सारा साल आप लोगों को खेत में दिखेंगे, चाहे बारिश का मौसम हो, ऊपर से चाहे बारिश पड़ रही हो, वो खेत में हल चलाना नहीं छोड़ेगा किसान। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो, कड़कड़ाती धूप हो, वो धूप में भी किसान जरूर काम करेगा। उसे ना धूप लगती है, ना उसे बरसात का अनुभव होता है, ना उसे ठंडी लगती है। यार किसान बस अपनी खेत को अपनी माँ के जैसा प्यार करता है और यार उस पर अनाज उगाता है, बड़ी मेहनत करता है। तो चलिए ये देखिए कच्चा रास्ता हमारे खेत का। पहले तो बच्चों यहाँ पर बहुत नीचे खोल तक रास्ता था, मतलब यहाँ पर बरसात के सीज़न में मोटरसाइकिल जाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पर खुदाई, देखिए दोनों साइड से खुदाई करके जो अंदर का जो मुरुम रहता है, उसे मुरुम कहते हैं, कंकड़ पत्थर, उनको ऊपर डाले, तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो रोड है बच्चों ये थोड़ा ऊपर आ गया है। और अभी यार इस पर बाइक चलाना थोड़ा ईजी हो गया है, लेकिन इस पर थोड़ा मुश्किल होता था बरसात की सीज़न में। और अभी जो पिछली बरसात गई बच्चों, उस बरसात की सीज़न में यहाँ पर भयंकर तबाही मच गई थी, क्योंकि बरसात बहुत तेज़ आई थी इस बार, और इस बरसात ने आपको यकीन नहीं होगा बच्चों ये रोड तक बहा कर ले गई थी। आपको एक कुआ बताऊंगा बच्चों, ये कुआ मौत के कुएँ के नाम से यहाँ पर फेमस हो गया है हमारे गाँव का। और ऐसा क्यों हुआ है आप खुद ही देख लीजिएगा, आपको बराबर से समझ में आ जाएगा। ये देखिए बच्चों यहाँ पर रोड जो है ये धस चुकी थी पूरी तरीके से, यहाँ पर फिर से यहाँ पर रोड बनाई गई है। ये नालियाँ जो है बहुत ज़्यादा खोल चली गई है, ये बरसात की वजह से ही गई है, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए मौत का कुआ बिल्कुल ये मेरे पास, ये देखिए ये यहाँ पर रोड धस गई थी। चलिए ये देखिए यहाँ पर तो पूरा का पूरा तमाशा हो गया है, ये रोड यहाँ पर धस गई है, ये यहाँ पर भी रोड धस गई है, और ये फाइनली हमारे मौत के कुएँ में हम आ चुके हैं। तो यार आप देखिए ये रोड जो है बच्चों ये पूरी तरीके से यहाँ पर कॉर्नर से धस चुका है, ये सामने पुलिया बना है, ये पुलिया भी कॉर्नर से धसना स्टार्ट हो गया है। और आप देखिए यहाँ पर ये रोड पूरी धस चुकी है, और ये कुआ और रोड दोनों एक साथ मिल गए हैं, यानी कि अगर बाइक थोड़ी सी भी अनबैलेंस होती है तो सीधे कुएं में जाएगी। ये आपको जो दिख रहा है बच्चों तालाब जैसा, ये तालाब नहीं है, ये 80 फीट गहरा कुआ है। तो यार आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इसको मौत का कुआ क्यों कहते हैं। और ये आगे पुलिया है, चलिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे क्लच दबाने के लिए। एक सेकेंड, तो मैंने क्लच दबा दिया और गाड़ी मेरी चल पड़ी है। तो यहाँ पर आप देखिए ये भी एक छोटा सा पुलिया है मेरे गाँव का, और
यहाँ पर भी यार ठीक ठाक पानी यहाँ पर बह रहा है, इधर से पानी आ रहा है बच्चों और इधर बह रहा है, इधर आगे जा रहा है पानी। ये पानी बेसिकली पानी कौन सा पानी है, जो बरसात में जो खेत में पानी जमा हो जाता है ना, ये पुल के माध्यम से बहा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर केली लगी हुई है, ये हमारी केली नहीं है, ये दूसरे की केली है। मेरा खेत में आप लोगों को बताता हूँ, ये आगे मेरा खेत आएगा, देखिए ये यहाँ से मेरे खेत की मेड़ स्टार्ट होती है। और चलिए हम हमारे खेत की ओर चलते हैं, ये मेरे खेत का एंट्री पॉइंट नहीं है, एंट्री पॉइंट कुछ और है। फाइनली यहाँ पर हम हमारे खेत पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर मैं गाड़ी को लगा बंद करता हूँ और स्टैंड पर लगा के हम हमारे खेत की ओर चलते हैं। और ये यहाँ पर एक छोटा सा इंजन रखा हुआ है, अगर किसी कारणवश यहाँ पर लाइन अगर कट जाती है तो इस इंजन का यूज़ करके हम यहाँ पर बिजली पैदा करते हैं और हमारी मोटर चलाते हैं। और ये कुआँ गाइस आप देख सकते हैं, ये कुआँ बिल्कुल लबालब भर चुका है पानी से, बरसात का सीज़न अभी चल रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश चली थी, इसी कारण से ये कुआँ यहाँ पर भर गया है। और आप देख सकते हैं हमारी केली है, कुछ इस प्रकार से ये केली दिखती है। और गाइस सामने आप देख सकते हैं एक आम का पेड़ दिख रहा है, ये सीज़न में हम यहाँ से बहुत सारे आम तोड़ करके खाते हैं, कच्ची किरिया खाने में यार बहुत मज़ा आता है। तो यार गाइस ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग, और आज मैंने आप लोगों को मेरे गांव का माहौल बताया, मेरे गांव के खेत खलियान का माहौल बताया कि गाँव में किस प्रकार का माहौल अपने को देखने को मिलता है। आने वाली वीडियोज़ में आगे भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये सारे डिपेंड करता है आप लोगों के प्यार के ऊपर। अगर यार गाइस आप अच्छा प्यार दोगे हमारे वीडियोज़ को तो यार हम ज़रूर अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की कोशिश करेंगे। और आप एक बात यहाँ पर मन में सोच लीजिए बच्चों, मैं गांव का लड़का हूँ, देहात का लड़का हूँ, ये देखिए सारे खेत खलियान मेरे आजू बाजू चल रहे हैं, मैं आप लोगों को मेरे गांव का माहौल, गांव के अंदर किस प्रकार से माहौल होता है, गांव के अंदर किस प्रकार से लोग पुराने लोग सभ्यता का यूज़ करते हैं उपयोग करते हैं, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा। यार मैं गाँव का एक छोटे से गाँव का छोटा सा लड़का हूँ, छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है गाइस, और मैं इसको बड़ा करने में बहुत ज़ोरों शोरों से लगा हुआ हूँ, लेकिन इसके लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ, आप लोगों का सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो यार आप लोगों से यही विनती रहेगी, कृपया सपोर्ट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यार ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते रहिए ताकि हमारे वीडियोस पर व्यूज़ बढ़ते रहें। तो यार इसी आशा के साथ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और अगली वीडियो में ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। और यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।